देश के हिसाब से हम आगे की बात रखेंगे, क्या इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो सकता है? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस वक्त जो ननकाना साहब में गुरु नानक साहब के गुरुद्वारे के ऊपर जिस तरह से वहाँ पर लोगों ने पथराव किया, ये बहुत बड़ा किस्सा है। पूरे विश्व के सिख समुदाय को पाकिस्तान ने नाराज़ कर दिया है, नंबर वन। नंबर टू, 370 के बाद में ये सब घटनाएं बहुत ज़रूरी है यहाँ पर संकेत देने। 370-35A के बाद में जिस तरह का माहौल आज के दिन कश्मीर में है, वहाँ पर बेशक कुछ जगहों पे SMS सर्विसेज खोल दी गई है, इंटरनेट खोल दिया गया है, मगर अंदर खाते जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो इन्फ्लेटेशन कर रहा है, जिस तरह से उग्रवादियों को भेज रहा है, डेफिनेटली एक बार फिर माननीय नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और हमारे गृह मंत्री जो इस वक्त सक्षम है कोई भी कदम उठाने के, वो पाकिस्तान को एक नया सबक सिखा सकते हैं। सूर्य और शनि, सूर्य इस साल का, क्योंकि हमारा नव वर्ष जो है वो गुड़ी पाड़वा को शुरू होता है, ध्यान रखें, उसके बाद मंगल और चंद्रमा राजा और मंत्री होंगे। 2019 के राजा जो थे वो सूर्य और शनि थे, सूर्य आत्मा है और शनि जो है वो देव ग्रह नहीं है। कहीं ना कहीं इन दोनों की युति अच्छी नहीं है। मार्च और अप्रैल में जब भी ये नया साल हमारा होता है उससे पहले कम आसार है, मगर मंगल और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन है और मंगल अंगारक है, अप्रैल मई जून में ये घटना आपको दिखेगी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत में इस बार छोटा मोटा बालाकोट वाला युद्ध नहीं होगा। इस बार भारतीय फौज सेनाएं जो हैं 71-72 के युद्ध की तरह अंदर जाकर कोई ना कोई बड़ा कारनामा करती हुई दिखाई देती हैं, और पाकिस्तान को इसमें मुंह की खानी पड़ सकती है। पाकिस्तान का जो वहां पे नुकसान होगा, और एक बात ध्यान से सुनिए, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड POK है वो भी इंडिया जो है पाकिस्तान की गलत हरकतों की वजह से पाकिस्तान को खोना पड़ सकता है और इंडिया के हाथ में आता हुआ दिखाई देता है। मगर ये जो रेस्टलेसनेस है ये भारत के लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कश्मीर में रेस्टलेसनेस अभी भी है और ये साल डेढ़ साल रहने वाली है, जब तक उसके अगला संबत जो है, उसके अगला शक जो है वो आता नहीं है। मंगल और चंद्रमा में भी वहाँ पर तकलीफें शुरू होती हुई दिखाई देती हैं, कोई ना कोई तकलीफ कश्मीर में आएगी। अभी रिसेंटली कल परसों ही हमारे महाराष्ट्र के एक जवान शहीद हो चुके हैं, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ भी शांति हो, मगर शांति जैसा कुछ वहाँ पे दिखाई देता नहीं है। थिंग्स आर वेरी बैड इनसाइड कश्मीर। नक्कीच आपण पाहतोय की ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या जरा आपल्याला दुखावणाऱ्या आहेत, थोड्याशा हलक्या वाईट स्वरूपाच्या आहेत असं पंडितजींनी सांगितलंय।